हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, तो सभी लोग हैं घर में, मतलब हम फुल फैमिली घर में ही हैं इस टाइम। तो ये कपड़े लाए थे, बाहर से आए थे, मतलब सूख गए थे, तो थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो बस वही फोल्ड कर रही हूँ। और बेड का हाल, क्योंकि दिन में हम लोग इसी पर लेटते उठते बैठते हैं, क्यों फ्री होने के बाद तो फिर जो भी टाइम पास होता है ना, वो बेड पर ही होता है। और यहीं सामने एलसीडी भी लगी है, तो इसी पर बैठ कर उठना बैठना देखना, मतलब जो भी काम होता है वो सारा हम लोगों का इसी बेड पर ही होता है। तो मेरे हस्बैंड भी इधर ही थे और बच्चे भी हैं, अभी स्कूल से आ गए, तो बस उन्हीं से ही कर रही थी कुछ बातें। और ये कुछ खाने का आइटम लेकर आए थे, तो वो रखा हुआ था, ये कुलचे थे, ये कुलचे मिलते हैं, तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि डेली डेली ये सारी चीज़ें मतलब बच्चे तो बोल रहे थे क्यों मना कर रही हो, लेकिन मुझे मतलब ये होता है ना, ये सारी चीज़ें बच्चे खाते हैं ना, तो फिर खाना नहीं खाते हैं, ये होता है। तो इन लोगों को रोटियां बहुत कम पसंद आती हैं, फिर ये मार्केट की चीज़ें खा खा के, तो वही मैं बोल रही थी क्यों लेकर आए हो। तो फ्रेंड, ये हमने आज ख़रीदा है गैस का चूल्हा, तो वही ये अभी लेकर आए हैं, तो बस वही इसको अभी कसेंगे, इसके पैर वगैरह। तो हमारे पास पहले जो पुराना है था, वो नॉन स्टिक वाला नहीं था, मतलब वो स्टील का जो पहले चलता था ना, वो ही था, तो वही हम लोग चला रहे थे। और बच्चे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि अब मम्मा ये नहीं चलते किसी के घर में भी, बहुत मतलब अब बच्चों को देखते हैं ना इधर उधर, तो उन्हें भी लगता है कि मतलब अब ये आइटम पुराना हो गया है, तो नहीं चलता, तो इस टाइप का ले लो, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। और वैसे हमें ये दिवाली पर हमने सोचा था लेने का, लेकिन होता है ना, बजट देखकर और सारा कुछ सोच समझ कर ही कोई चीज़ खरीदते हैं, तो नहीं हो पाया हमारा दिवाली पर लेने का, तो फिर बस आज ये लेकर आए हैं। तो सभी लोग बहुत खुश हैं, बच्चे भी पूरे फुल खुश हैं, क्योंकि ये चीज़ में इनका तो कुछ काम है नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना, घर में जब भी कोई चीज़ नई आती है तो सभी लोग खुश होते हैं। तो बस एक जो मिडिल और लो क्लास की फैमिली होती है, उसको ही पता होती है कि गृहस्थी कैसे जुड़ती है, तिनका तिनका करके ही गृहस्थी जुड़ती है। मैंने भी मतलब जब मैं अपनी ससुराल से इधर रहने आई थी, तो कुछ नहीं थी, खाली हाथ थी, कुछ भी नहीं थी, एक चम्मच भी नहीं थी मेरे पास। और मैंने इतने सालों में धीरे धीरे करके अपनी गृहस्थी जोड़ी है, तो मुझे पता है, जैसे मतलब मेरी जैसी जितनी भी लेडीज़ हैं, सबको पता है, जो लोग मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं और जिनका मतलब लो और मिडिल क्लास से आते हैं, और वो तिनका तिनका करके जब गृहस्थी जोड़ते हैं ना, तो ये बात उन्हें पता होती है। मैं ज़्यादातर ऐसी बातें करती नहीं हूँ, लेकिन आज कर रही हूँ आप लोगों से। तो बस अब ये लोग कुछ बोल रहे हैं मीठा बनाने के अब लिए, इसको पाइप लगाओ तो पहले अब मतलब रेगुलेटर, नया चूल्हा लेकर आए हैं तो मीठा आप ही कुछ लगाओ। बनेगा ना, जैसे बर्तन वगैरह लेकर आओ या ऐसा कुछ लेकर आओ,
तो मीठा वैसे रखा है बना मतलब मिठाई स्वीट रखी है, मिठाई रखी है, लेकिन ये लोग नहीं खाएंगे। और ये लोग मीठा खीर वगैरह बनाऊँ तो वो भी नहीं खाएंगे, और सूजी का हलवा वगैरह बनाऊँगी तो वो, मतलब ये लोग मीठा नहीं खाते हैं, तो बस पर बनाऊँगी तो कुछ मीठा ही। तो अभी बस सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, ऐसा ही कुछ बनाऊँगी जो एक एक दो दो चम्मच सब लोग खा लें। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ने इसका मुहूर्त कर दिया, जलाकर स्टार्ट हो खाना को गया। तो बड़ा ये वो होता है हाँ, बच्चे भी यार, पूरा फुल खाने खुश को है तो कि बड़ा चलो इसमें फाइनली इस्तेमाल आ कर गए रहे थे घर में गैस। और ये हमारा इसको। पुराना वाला चूल्हा है, तो हमने क्यों अभी लिया पता है, वैसे तो हमें दिवाली पर लेना था लेकिन दिवाली पर हमारा वो नहीं बन पाया बजट, तो होता है ना नहीं हो पाता तो नहीं बन पाया। तो अभी क्या हुआ, इसका एक चूल्हा तो जो बड़ा वाला था गैस का चूल्हा वो हो गया था स्लो, खराब हो गया था, और पहले एक बार भी हो गया था तो इसको सही करा दिया था, लेकिन अभी फिर हो गया। तो मेरा जो छोटा वाला चूल्हा चल रहा था वो सही चल रहा था और मेरा जो उस पर काम हो जा रहा था, लेकिन अचानक वो चूल्हा भी एकदम स्लो हो गया। स्लो हो गया तो फिर इसको सही कराने ही लेकर गए थे, तो जो सही कर रहा था ना मैकेनिक, तो वो इसके मालूम नहीं बोल्ट वगैरह खोलता रहा, काफ़ी टाइम लगा लेकिन उससे खुला नहीं। तो वो बोला कि इसके जो पेच हैं बोल्ट हैं वो खुल नहीं रहे हैं, तो ये जब खुलेंगे नहीं तो ये सही नहीं होगा। अब उसके पास पता नहीं कटर वगैरह नहीं थे, नहीं तो मतलब कट जाते हैं जो बोल्ट वगैरह होते हैं उनको काट दो तो वो कट जाते हैं कटर से, और न्यू बोल्ट डाल दो। तो वो उसने मना कर दिया कि मेरे से खुल नहीं रहे हैं, और मैंने तो काफ़ी मेहनत करके देख ली इसमें तो नहीं खुल रहे हैं। तो फिर बस मेरे हस्बैंड ने बोला कि लेना तो है अभी या फिर 2-4 महीने बाद, तो फिर लेके ही आते हैं। तो वो बस सीधा वहाँ से न्यू चूल्हा लेकर आ गए। तो ऐसे होता है ना, जिस चीज़ को जब आना होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई भी आइटम हो, हम लोग सोचे ना उस हिसाब से काम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो इसे दिवाली पर लेने के लिए सोच रहे थे, फिर दिवाली पर नहीं बना, तो अभी हम 2-3 दिन पहले बात कर ही रहे थे, तो हमने कहा चलो होली तक ले लेंगे, अभी इसको पुराने वाले को एक बार सही करा लेते हैं, हो जाएगा तो फिर हम होली पर नया चूल्हा खरीद के लाएंगे। लेकिन इसको आज ही आना था होली से पहले, तो वो पुराना चूल्हा ठीक नहीं हुआ, तो फिर हमें यही लेकर आना पड़ा। अब इसको रखने के लिए भी सोच रही हूँ, क्योंकि घर में जगह तो आप लोग देखते हो सिर्फ 2 रूम है, और कहीं भी हमारे पास ऐसा नहीं है स्टोरेज टाइप में कि जाकर वहाँ कहीं रख दो, और यहाँ कहीं ऊपर जो स्लिपें सी पड़ी होती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके ऊपर रख दो, जैसे स्लिप वगैरह है ऊंचाई पर जो स्लिपें नहीं पड़ी होती हैं वो हों तो उस पर रख दो, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब इसे कहीं रखने की देखेंगे। तो फिर डिसाइड हुआ कि चलो थोड़ा सा हलवा ही बना लेते हैं, क्योंकि बस सगुन हो जाएगा, एक एक दो दो चम्मच सभी लोग मीठा ले लेंगे, तो बस वही मैं थोड़ा सा हलवा ही बनाऊंगी। और ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूजी और साबूदाना दो आइटम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो तो नहीं खाएंगे। तो हम 3 लोग हैं, मैं तो मेरे दोनों बच्चे, तो हम तीनों बस एक एक चम्मच खा लेंगे, तो बस इसीलिए थोड़ा, क्योंकि
क्योंकि बच्चे वगैरह भी है ना मीठा बहुत कम पसंद करते हैं, इन लोगों को नमकीन चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और मेरे यहाँ पर खीर भी मतलब त्योहारों में कभी कभार बनती है, नहीं तो नहीं बनाती, क्योंकि ये लोग खाते नहीं हैं। तो फिर चीज़ बना लो और उसको फिर फेंकना पड़े, फिर वेस्ट हो ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये बन रहा है हलवा, और बहुत थोड़ा सा बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मीठा बहुत कम पसंद करते हैं। तो अब नया कुछ आया है तो मीठा ही बनाते हैं, तो खीर वगैरह ये लोग कोई खाते नहीं। तो फिर मैंने बस ये थोड़ा सा हलवा बनाया है, मतलब एक एक चम्मच सभी लोग खा लेंगे, और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, उन्हें सूजी पसंद नहीं है। तो बस अभी ये बना के पहले भगवान जी को रख दूँगी भोग, फिर सभी एक एक दो दो चम्मच खा लेंगे, उसी में हो जाएगा मीठा। और ये हमने खरीदी है आज नई गैस, आज तो नहीं लेनी थी, दिवाली पर आनी थी लेकिन नहीं हो पाया दिवाली पर, तो आज अचानक ही आ गई ये। कैसी लगी कि घर में छोटी बड़ी की जाती है तो अच्छी तो लगती है, हम लोगों को तो काफ़ी अच्छी लगी, तो अचानक ही आई है। इसको आना था आज दिवाली पर लेने की सोच रहे थे पर नहीं ले पाए, लेकिन इसे आज आना था इसलिए आज आ गई। आज हमारी बड़ी वाली जो पुरानी वाली गैस थी ना वो गैस हो गई थी ख़राब, उसको सही कराने गए तो वो हुई नहीं, तो फिर हमें ये लेकर ही आनी पड़ी। तो बस ये देखिए हलवा हमारा।